मऊ जिले में एक बेटी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। वह अपने पिता की मौत के बाद अपना हक मांग रही है, लेकिन अपनी माँ ही उसे हक देने से मना कर रही है, जिसके बाद से मामला तहसील न्यायालय में चल रहा है। लेकिन तहसीलदार द्वारा लगातार तारीख पे तारीख दिए जाने से परेशान होकर पीड़िता ने कलेक्ट्रेट में धरना देकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। आपको बताते हैं कि धरने पर बैठी महिला का नाम सविता शाही है। यह जनपद घोसी कोतवाली क्षेत्र के कटिहारी ब्रजक गांव की निवासी है। सविता ने अभी तक शादी नहीं की है, इसलिए पिता के मृतक हो जाने के बाद उसने अपने घर वालों से अपना हक की मांग की है, लेकिन मां ने हक देने से मना कर दिया, जिसके बाद सविता ने न्यायालय की शरण ली। लेकिन न्यायालय द्वारा तारीख पे तारीख दिए जाने से वह आर्थिक रूप से टूट चुकी है, जिस कारण से वह जल्द न्याय पाने के लिए डीएम से गुहार लगाने पहुंची। साथ ही उसके घर वालों ने बताया कि उसकी बहन को काटकर जला दिया गया था, जिसके बाद मैंने भी जहर खाकर और कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन ग्रामीणों द्वारा बचा लिया गया था। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई और वहां आकर मुकदमा लड़ रही हूं, लेकिन महिला और बेरोजगार होने के चलते मैं आर्थिक रूप से कमजोर हो गई हूं। कई तहसीलदार द्वारा न्यायालय द्वारा तारीख पे तारीख देकर मुकदमे को बढ़ाया जा रहा है, इसलिए डीएम से गुहार लगाई है कि वे मामले को गंभीरता से लेकर न्याय दिलाने की कृपा करें। वहीं सविता की गुहार पर सिटी मजिस्ट्रेट हंसराज यादव ने बताया कि महिला की शिकायत को सुन लिया गया है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। रहने वाले कौन घर से निकाल दिया है? क्यों? क्यों? हाँ, किस वजह से नहीं जाने देते हैं? वहाँ उनके साथ में 2000 तक की फीस छोड़ दी उनका, उनके अत्याचारों के कारण। 2014 में आई, मुझे पता चला कि मेरे पिता की डेथ हो गई है। घर पर आई, मेरी माँ ने पहचाने स्वीकार की और डंडे लटके गए, पता नहीं कौन आई लूट करके लेके जाएगी या कुछ और। जब भी मैं जाती हूँ वहाँ डंडे लगी मार लेगी, नहीं देती आज घर में नहीं जाने दे रहे हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अप्लीकेशन दिए थे आप? कोई भी तक कोई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। केस फाइल किया, मेरी माँ चालाकी कर रही थी कि बहुओं के नाम वो प्रॉपर्टी को कर दे ताकि हमने बेच दिया, तो मैंने केस फाइल कर दिया। 25 दिन हो चुका तो मैंने केस फाइल किया वहाँ पर, नायब तहसीलदार गया वहाँ हर हफ्ते तारीख पर, लेकिन कोई सुनवाई एक बार भी नायब तहसीलदार वहाँ।